हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव यानी तरंग का पार्ट 8। अब तक मैं आपको वेव के ऑलरेडी 7 पार्ट करा चुका हूं, ठीक है। देखो, कल जो मैंने कराया था, कल था आपका रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, परावर्तन और संचरण, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड और रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड का यूज होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो YouTube बार में जाएं और सर्च करें वेव पार्ट 7 साइंस फॉर डिफेंस या रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन साइंस फॉर डिफेंस, ठीक है। लेकिन आज मुझे उस चीज को रिवीजन भी कराना है उसका, ठीक है। आपको मैं उसको रिवीजन भी कराऊंगा, ठीक है। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। इसको हिंदी में कहते हैं अप्रगामी तरंगें। एक्चुअल में स्टैंडिंग वेव वेव नहीं है, स्टेशनरी वेव वेव नहीं है, ये तो एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, कण का विस्थापन है, अपनी जगह से ऊपर नीचे जाएगा, यानी क्या है, SHM ऑफ पार्टिकल। SHM है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इसको पढ़ने के लिए स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कह रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो आज के पूरे लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इसको हम स्टैंडिंग वेव क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये तो भाई पार्टिकल का SHM है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो को देखना और बहुत पेशेंस के साथ बहुत आराम से मैं इस वीडियो को आपको कराऊंगा, यानी धीरे धीरे चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लगा लो हेडिंग। सबसे पहला पॉइंट है स्टेशनरी वेव एंड सॉरी या ही बोल दो और स्टैंडिंग वेव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अप्रगामी तरंगे, ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव होती क्या है, इसके लिए कुछ कंडीशन है, उसी कंडीशन पर ये वैलिड होगा। पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, उसके बाद उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट क्या है, एक्चुअल में स्टैंडिंग वेव के लिए, अप्रगामी तरंगों के लिए दो वेव चाहिए। कितनी वेव होनी चाहिए, टू वेव। पहली बात तो ये, कितनी वेव, टू वेव, यानी दो तरंग होनी चाहिए। दूसरी बात, इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड यानी आयाम सेम होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड यानी आयाम। एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयाम, समान आयाम होना चाहिए। तीसरी बात, उन वेव की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति भी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति समान होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, ये दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए, एक इधर और एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चलनी चाहिए। तो वेव ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में ट्रेवल करनी चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करनी चाहिए। क्या करेंगे ये, सुपर इंपोज को हिंदी में बोलते हैं, एक दूसरे पर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो सुपर इंपोज्ड टू ईच अदर, ठीक है। ऐसी रिजल्टेंट वेव को, ऐसी परमाणिक वेव को स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहते हैं। अब समझो, देखो टू वेव का मतलब क्या है, जैसे ये मेरे पास बॉल है, दीवार है, और भाई साहब ये मेरे हाथ में एक रस्सी का छोर है, और एक रस्सी का छोर क्या है, इससे बंधा हुआ है दीवार से। मैंने ऐसे झटका मारा, वेव प्रोड्यूस की, वेव इससे जाकर टकराएगी, टकरा के वेव क्या हुई, वापस लौटेगी, समझ पा रहे हो, टकरा के वेव क्या होगी, वापस लौटेगी। तो वेव कितनी होनी चाहिए, दो। टकराए, टकराने के बाद उधर से वेव आ रही है, तो कितनी वेव होगी, दो, एक इधर से जाने वाली, एक उधर से आने वाली। उन दोनों का आयाम क्या होना चाहिए, सेम। मैंने कल के लेक्चर के अंदर आपको बताया था सेम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है,
कि यहां कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होगी, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मेरे भाई देखो, अगर वेव में यहां से झटका मारा, वेव बनी यानी रस्सी में झटका मारा, वेव बनी, तो जितना एम्पलीट्यूड यहां बना, इससे टकराने के बाद वेव जब वापस आएगी उतना ही एम्पलीट्यूड बनेगा, सेम आयाम होगा। तो ऐसा हम कब बोलेंगे, जब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होगा, यानी नो एनर्जी लॉस, यानी कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं हो रही होगी, ऊर्जा की हानि नहीं होगी, पहली बात तो ये। तीसरा पॉइंट क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी, समान आवृत्ति। इस बात का मतलब क्या है मेरे बच्चे, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी तरंग उत्पन्न हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। यानी ये वॉल है और भाई साहब ये दीवार है और मेरे हाथ में रस्सी है, मैंने झटका मारा, एक वेव बनाई, कितनी वेव, एक पल्स बनाई, एक वेव बनाई, तो एक वेव इससे टकराएगी, टकराने के बाद उधर से भी एक ही वेव बनकर आएगी। अच्छा, मैंने यहां से झटका मारा दो, तो दो वेव बनी, दो पल्स बनी, टकराएगी, टकराने के बाद उधर से भी दो वेव ही वापस लौट कर आएंगी। मैंने ऐसे तीन झटके मारे तो तीन वेव बनी, टकराने के बाद तीन ही वेव उधर से आएंगी। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, जितनी इधर से बन रही है उतनी ही टकराकर वापस उतनी ही वेव आएंगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, सेम, आवृत्ति कैसा होगा, सेम, ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, समझ में आ गया, एक इधर जाएगी तो उधर से वापस आएंगी, सुपर इम्पोज टू ईच अदर। सुपर इम्पोज का मतलब क्या, आपने झटका मारा, इससे जाकर टकराई, टकराने के बाद उसी रस्सी पर उधर से वेव आ रही है, उसी रस्सी पर, तो एक दूसरे पर क्या हो रही है, वेव मिल रही है। इसको क्या बोल रहे हैं, सुपर इम्पोज टू ईच अदर, एक दूसरे पर आकर मिलना। ऐसी रिजल्टिंग वेव को हम स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक्चुअल में ये स्टेशनरी वेव मेरे बच्चे दो केस में पढ़नी है। कितने केस में पढ़नी है, दो केस में। एक तो पढ़नी है आपको ऑर्गन पाइप के अंदर, कहां पढ़नी है आपको, ऑर्गन पाइप में। एक पढ़नी है आपको स्ट्रिंग के अंदर, किसी रस्सी के अंदर, ठीक है। ऑर्गन पाइप के अंदर आप पढ़ोगे साउंड वेव में, कहां पढ़ोगे, ध्वनि तरंग के अंदर, साउंड वेव में, यानी ध्वनि, ध्वनि तरंग, ठीक है। और स्ट्रिंग वेव में क्या, वेव स्ट्रिंग के अंदर पढ़ोगे, किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर क्या बनेंगी, वेव। ये दोनों आप पढ़ोगे स्टेशनरी वेव के अंदर, ठीक है। देखो ये आपको मैं आज नहीं कराने वाला हूं, ये आपका कल का सेशन होगा। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं स्टैंडिंग वेव है क्या, इसकी पूरी फील आएगी आपको वीडियो के अंदर, वाकई में स्टैंडिंग वेव है क्या। आज पूरा इंट्रोडक्शन होगा स्टैंडिंग वेव के ऊपर, 100% आपको फील आएगी, ठीक है। तो इसको आपको समझना है, कल अपन ये पढ़ेंगे, और इसके अंदर मैं ये स्टैंडिंग वेव का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, इंट्रोडक्शन आज ही होगा, एक बार होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद की कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हो गया नोट, रफ कर दें। अब देखो, मुझे आपको स्टेशनरी वेव समझाने से पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, रिवाइज करा देता हूं, जो कि कल के लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड और रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। फ्री एंड की बात हम बाद में करेंगे, आज ही पहले फिक्स पॉइंट को, फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन को समझो। तो हेडिंग लगाओ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। अगर आपने रिफ्लेक्शन आता है फिक्स्ड एंड से तो वीडियो को स्किप कर लें, ठीक है। चलो, जिनको नहीं आता, जिन्हें नहीं पढ़ाया, तो उसको देख लें। ये फिक्स एंड था क्या मेरे बच्चे, ये देखो वॉल है, दीवार है, क्या है, एक दीवार है, ठीक है। रस्सी का एक छोर, जैसे ये समझो ये दीवार है, रस्सी का एक छोर इस दीवार से बंधा हुआ है और एकदम फिक्स्ड है, वो मूवेबल नहीं है पॉइंट, फिक्स टाइट बंधा हुआ है एकदम। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम क्या बोल रहे थे, फिक्स्ड एंड कह रहे थे, ठीक है, फिक्स्ड छोर। अच्छा, अब मैंने क्या करा, यहां से रस्सी एक का एक छोर मेरे हाथ में, मैंने यहां से झटका मारा, वेव बनाई, तो हुआ क्या मेरे भाई, होगा क्या, यहां से ये वेव बनेगी और इसे जाके टकराएगी। तो वेव की स्पीड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये वेव का ये क्या है,
एम्पलीट्यूड ए यानी आयाम। ये जैसे इससे टकराएगी तो इसका जो पार्टिकल है, किसका, दीवार का जो पार्टिकल है, वो क्या करेगा, इस वेव को नीचे की तरफ ढकेल देगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं। यानी अब जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो कहां बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। कहां बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो वेव की स्पीड किस डायरेक्शन में होगी, इसमें। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए। लेकिन जितना एम्पलीट्यूड इसका है उतना ही इसका होगा, यानी सेम होगा। अगर ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर होगा। ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। यानी यहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लिख देता हूं, ये बात मैं बता चुका हूं आपको, अगेन लिख देता हूं कि यहां पर कोई भी नो एनर्जी लॉस, कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होगी, ऊर्जा की हानि नहीं होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ऐसे केस में आपको मैंने पढ़ाया था मेरे भाई कि एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ, तो फेज चेंज होगा। कितने का फेज चेंज आपको मैंने बताया था, पाई। कितना फेज चेंज होगा, पाई। वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम इक्वेशन लिखें पार्टिकल की, तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट के लिए आप लिखोगे तो वाई आई, तो क्या हो जाएगा, टकरा रहा है तो इंसिडेंट बोल रहा हूं, तो इसको क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वेव आपके किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। इसके लिए इसे टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, तो भैया रिफ्लेक्शन के लिए वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए साइन, लेकिन ए कैसा, नेगेटिव, कहां आ रहा है, नीचे की तरफ, माइनस का ए साइन ओमेगा टी। प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसलिए क्या आएगा, ये पॉजिटिव। या मैंने आपको समझाया था क्या मेरे भाई, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। मैंने आपको बताया था, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 180 प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड में, किसे पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, उसमें रेशियो चेंज नहीं होगा, तो माइनस का साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखो बात एक ही है, ठीक है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, वेव की इक्वेशन है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हो क्या रहा है, ये वेव इससे जाकर टकरा रही है, इधर से इंसिडेंट वेव, और उधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, उसी रस्सी पर आ रही है ना, इधर से उसी रस्सी पर बन रही है, टकरा के उसी रस्सी पर उधर से वेव बनकर आ रही है, तो क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है, क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है, मिल रही है। तो यहां हम किसका यूज करेंगे, यहां हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि ये हर रस्सी का पार्टिकल भैया किसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट करेगा, इसके हिसाब से कि इसके हिसाब से। तो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में सिखाया था, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या आई, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स के एक्स, और रिफ्लेक्टेड वेव की आई माइनस ए साइन ओमेगा टी, सॉरी ये आएगा आपका माइनस और ये आएगा आपका प्लस के एक्स, ठीक है, ये तो थी। तो यहां सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आप यूज करोगे, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि क्या था, इन दोनों वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन क्या होता था, इन दोनों वेव का वेक्टर सम, ठीक है, वेक्टर सम यानी सदिश जोड़। अब देखो वाई आई कितना है, ये दैट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अच्छा प्लस, ये फिर माइनस बना देगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। मेरे भाई देख, ए और ए दोनों तरफ से क्या आ जाएगा, कॉमन, तो कॉमन ले लें ए, अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब लगाएंगे मैथ, हमें बताए साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, आपको फॉर्मूला आता है, या तो ऐसे खोल दो या फिर कैलकुलेशन बचानी है थोड़ा आसान कर दो, इसको बोल दो साइन सी और इसको बोल दो साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी आप यहां फॉर्मूला यूज कर दो। तो देखो यूजिंग फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, इस सूत्र का उपयोग करो, तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, याद रखना। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू,
यूज करो, तो देखो ये क्या आ जाएगा, टू कॉस, तो ए के साथ अब क्या आ गया, टू ए कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी यानी ये हो गया सी, ये तो पूरा क्या है सी, और ये पूरा क्या है डी, तो देखो सी प्लस डी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, टू ओमेगा टी अपॉन टू, टू से टू खत्म, बचा क्या ओमेगा टी इन टू साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी, सी माइनस तो माइनस आएगा ओमेगा, ओमेगा टी ओमेगा खत्म, और फिर ये भी माइनस, समझ पा रहे हो, तो माइनस के एक्स माइनस टू के एक्स अपॉन टू, टू से टू खत्म, तो क्या आ गया साइन माइनस के एक्स, और मेरे भाई साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टू ए साइन के एक्स, साइन को मैं आगे ले आया कॉस को पीछे, कॉस ओमेगा टी। तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो आई वाई बराबर माइनस टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। एक्चुअल में इसी टाइप की स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव अप्रगामी तरंग की वेव की इक्वेशन होती है, यही आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, ध्यान से सुनना आनंद आने वाला है इसमें, यानी यही क्या आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, रट के बैठ जाओ कि माइनस टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, नहीं, देखो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है, मैं ऐसा लिख देता हूं, सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन किसकी होती है, अप्रगामी तरंगों की समीकरण होते हैं। देखो मेरे भाई पहली बात स्टैंडिंग वेव के लिए क्या होना जरूरी है, पहली बात तो आपको kx और ओमेगा t इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, साइन की जगह साइन लिख दो, कॉस लिख दो, कॉस की जगह साइन लिख दो, मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन कॉस का कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर क्या है kx और ओमेगा t का प्रोडक्ट होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए आयाम 2a, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना है कोई दिक्कत नहीं। आपको याद होगा ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन क्या होती थी, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन क्या थी, वाई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो पढ़ रहे थे हम अभी, अब तक हमने यही तो पढ़ा है स्टैंडिंग वेव से, भाई स्टैंडिंग वेव और ये वेव दोनों जमीन और आसमान का अंतर है, अलग है, अलग है बिल्कुल, यहां एम्पलीट्यूड कितना है ए, यहां एम्पलीट्यूड कितना है टू ए, तो याद रखना स्टेशनरी वेव में स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड कितना होगा टू ए, और ट्रेवलिंग वेव में क्या होगा ए। अब जरा देख यहां ओमेगा टी में से और के एक्स को क्या कर रहे हैं माइनस, या माइनस या प्लस होता है यहां पे, होता है कि नहीं होता है, लेकिन इस केस में क्या है के एक्स और ओमेगा टी का क्या होगा प्रोडक्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये पहचान है, ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन थी और ये किसकी है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, ठीक है। अब जरा देख अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं वाई बराबर माइनस टू ए, ठीक है, साइन की जगह लिख दूं कॉस के एक्स और कॉस की जगह लिख दूं साइन ओमेगा टी, ये भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। अच्छा मैं ऐसे लिख दूं y बराबर माइनस टू ए, ये cos kx, फिर साइन की जगह cos लिख दूं cos ओमेगा t, ये भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। अगर मैं ऐसा लिख दूं y बराबर माइनस टू ए cos की जगह sin kx, इधर भी cos की जगह sin ओमेगा t, ये भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। बसरते बस क्या होना चाहिए ओमेगा t और kx का प्रोडक्ट होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए टू ए, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकता, इतनी बात समझ में आ रही है। ये भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, ये भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, ये भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, आज से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन किस तरीके की होती है, ओमेगा टी और केएक्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, आयाम 2a होना चाहिए, माइनस हो या प्लस, माइनस प्लस का मतलब आपको मैं आगे बताने वाला हूं क्या है, इतनी बात है क्लियर है, ठीक है। अब ये तो आपको पता लग गया स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आपके लिए क्या निकल के आ गई, फ्रॉम फिक्स्ड एंड माइनस टू ए साइन केएक्स कॉस ओमेगा टी, इसको अच्छे से नोट करना है आपको अभी, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं कि क्या क्या हमें समझना है, ठीक है, इसको फील करेंगे स्टैंडिंग वेव है क्या, और इसको फील करने के दो तरीके हैं भाई साहब, या तो आपको इसको ग्राफिकल मेथड से समझ लो, या फिर भाई साहब आप इसको एनालिटिकल मेथड से समझ लो, लेकिन जो सबसे प्यारा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, टाइम जरूर लगता है मजा आ जाता है, लेकिन एनालिटिकल में फील नहीं आता, फॉर्मूला लगाओ सिंपल है, वो फॉर्मूला लगाओ आसान है, वो मजा नहीं आता, लेकिन ग्राफिकल में पूरा मजा आएगा आपको, एकदम फील आ जाएगी भाई साहब, एकदम फील आ जाएगी, यही स्टैंडिंग वेव है साहब, तो इसको अच्छे से नोट करो, मैं आपको पहले ग्राफिकल मेथड से अच्छे से समझाता हूँ, एक टेबल बनवाऊंगा फिर आगे की चीजें करेंगे, नोट करो अच्छे से, हो गया नोट, रफ करें। देखो
आपको पता है कि अभी जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आई है वो क्या निकल के आई है, y बराबर माइनस टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। लेकिन बच्चों यहां स्मॉल टी आपको दिख रहा है, ये क्या है, टाइम। मैं टाइम के अकॉर्डिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा इस पर जिक्र करने वाला हूं। अभी ज्यादा मत सोचो, अभी सिर्फ मैं जो कह रहा हूं उतना काम करो, धीरे धीरे अच्छे से क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो बहुत भयंकर जाएगा। अभी थोड़ा इतना समझो, अभी मैं क्या करने वाला हूं देखो। अभी मैंने आपको स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन का यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखाने वाला हूं। क्या लिखाया था, वाई आई के लिए ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। रिफ्लेक्टेड के लिए क्या था, वाई आर बराबर, वाई आर बराबर माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स, ठीक है। फिर मैंने इनका नेट कराया था, आपको क्या कराया था, नेट, और वाई नेट आपको क्या कराया था, वाई आई प्लस वाई आर, ठीक है। इसका वेक्टर प्रोडक्ट था, सदिश सम, सदिश जोड़, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां टाइम के साथ, ये टी क्या है, टाइम, टाइम के साथ कण का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो मैं आपको बात करूंगा कैसे। बस इतना समझो, अभी जो मैं बता रहा हूं उतना सोचो, ज्यादा मत सोचो अभी, ठीक है, आपको क्लियर होगा। पहला क्या केस है, जब टाइम जीरो हो, जब टाइम जीरो हो तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। टाइम जीरो का मतलब क्या है, देख ये मेरे पास वॉल है और भाई साहब रस्सी मैंने पकड़ रखी है, मैं इसको हिला रहा हूं, पिछले 10 घंटे से इसको मैं वाइब्रेट करा रहा हूं, वेव्स बन रही है, टकरा रही है, लौट करा रही है, टकरा रही है, लौट करा रही है। आप अचानक से रूम में आए और आपने क्या करा, इस पार्टी जो मैं वेव बना रहा हूं उसका क्या करा, फोटो खींच लिया। तो आपके लिए उस टाइम पर जो टाइम हुआ वो कितना हुआ, जीरो। भाई टाइम तो जीरो अलग अलग हुआ, हर इंसान के लिए अलग होगा। जब वो मुझे देखेगा जिस टाइम पर वो फोटो खींचेगा वो टाइम क्या होगा, जीरो। मैं टाइम जीरो पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टी जीरो पुट कर दो, ये पूरा जीरो, साइन माइनस के एक्स, तो माइनस साइन के एक्स हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन के एक्स, ठीक है, मैथ का यूज है। यहां जीरो पुट कर दो आ जाएगा साइन प्लस के एक्स, तो ये भी क्या आ गया, माइनस ए साइन के एक्स, तो ये माइनस ए और ये माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस टू ए साइन के एक्स, क्लियर। अब देखो टाइम टी वाई फोर पर, किस पर, टी वाई फोर पर क्या होगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, फील आएगी, बस अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह देखो, अपने आप समझ में आएगा। यहां टी की जगह टी वाई फोर पुट करो, तो ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी इंटू टी वाई फोर, टी से टी खत्म, दो से दो बार खत्म, बचा क्या, पाई बाई टू माइनस के एक्स आ गया। ये मेरे भाई ये क्या बन गया, साइन 90 माइनस के एक्स, यानी 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, तो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा पर क्या होगा, रेशियो चेंज होगा, तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट पर 90 माइनस थीटा, तो कैसी होगी वैल्यू, पॉजिटिव, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, ए कॉस के एक्स, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 90 प्लस के एक्स, 90 प्लस के एक्स, टी वाई फोर पुट करने पर 90 प्लस के एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, ऑलरेडी आगे माइनस है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस ए कॉस के एक्स, माइनस ए और प्लस ए कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो, क्लियर है, ठीक है। अब देखेंगे हम टी बाई टू टाइम पर, टाइम कितना हो, टी बाई टू, उस पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपको थोड़ा अभी फील आ रहा होगा, हल्का हल्का अगर आप सोच रहे होंगे, खैर सोचना मत अभी, मैं आपको बस बता रहा हूं, जब भैया टाइम जीरो है तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है, जब टाइम टी बाई फोर आया, तुम आए, तुमने टी बाई फोर पर क्या करा, फोटो क्लिक करी, तब टाइम क्या हुआ, ए कॉस एक्स, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यानी टी जीरो पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस ए साइन के एक्स, और टी टी बाई फोर पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, माइनस ए कॉस एक्स, यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अभी क्लियर होगा, देखते चलो, टी बाई टू पर देखो आप, टी बाई टू पर, तो ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी इंटू टी बाई टू माइनस के एक्स, टी से टी खत्म, दो से दो खत्म, तो क्या बचा, पाई माइनस के एक्स, ये आ गया 180 माइनस के एक्स, और 180 माइनस के एक्स सेकंड क्वाड्रेंट पर आ गया, और 180 में रेशियो चेंज नहीं होता,
और साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो साइन थीटा, साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा ए साइन के एक्स, और ये क्या बन जाएगा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो ए साइन के एक्स, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2a साइन के एक्स। मेरे भाई जब टाइम t by 2 है तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, यहां भी कुछ और है। अब समझो थोड़ा थोड़ा कि पार्टिकल अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है देखते चलो। अब चलो t by 4 पर चेक करते हैं, t की जगह 3t/4 तो 2π/t इंटू 3t/4, तो मेरे भाई t से t खत्म, 2 से ये दो बार खत्म, तो कितना आ जाएगा 3π/2 यानी 270, ये आ गया 270, तो 3π/2 माइनस के एक्स, तो 270 माइनस थीटा कौन सा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन कैसा होता है नेगेटिव, और इसमें रेशियो होगा चेंज, तो क्या हो जाएगा माइनस ए कॉस के एक्स, और ये क्या बन गया 270 प्लस के एक्स, चौथा क्वाड्रेंट में पहुंच गया साइन नेगेटिव है, रेशियो चेंज होगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव बन गया, तो क्या आ जाएगा ये ए कॉस के एक्स, ये माइनस है ये प्लस ए कॉस एक्स, तो कितना बन गया ये जीरो, ठीक है। अच्छा अब देखो टाइम टी पर, तो ओमेगा की जगह 2π/t और टी की जगह स्मॉल टी की जगह टी माइनस के एक्स, टी से टी खत्म, तो क्या आ गया 360 माइनस के एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट चौथा, और चौथा 360 माइनस थीटा, इसमें रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन कैसा होगा नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस ए साइन के एक्स, ये पहुंच गया 360 प्लस थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव है ठीक है, तो क्या बन गया ये बन गया आपका माइनस ए साइन के एक्स, और मेरे भाई ये माइनस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस 2a साइन के एक्स। मेरे बच्चे ध्यान से समझ, अलग अलग टाइम पर पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, ये रस्सी है मेरे पास, ये रस्सी है मेरे पास, अब मैंने यहां से वेव बनाई, तुमने टाइम t0 पर क्या करा पार्टिकल का मतलब फोटो खींच लिया, वेव का फोटो खींच लिया, तो अब तुम क्या देख रहे हो टाइम 0 पर अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम t/4 पर पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, t/2 पर अलग अलग, t/4 पर अलग अलग, t पर अलग, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ बनाता हूं, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, बस ये वाला रफ कर रहा हूं, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब मैं इस वाले सेक्शन को रफ कर रहा हूं, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत है। ये देखो हम ग्राफ बनाते हैं ना, पहला ग्राफ क्या है, ये ग्राफ टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर, ठीक है। ये जो ग्राफ बनाया है वो मैंने बनाया वाई और एक्स के रेस्पेक्ट में ना, वाई और एक्स का ग्राफ है, एक्स क्या है पार्टिकल की मीन पोजिशन से डिस्टेंस है, ठीक है। देखो ये टी बराबर जीरो पर मैंने ग्राफ बनाया, तो टी बराबर जीरो पर वाई का यानी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या था पार्टिकल का, माइनस 2a साइन के एक्स, माइनस 2a का मतलब क्या है साइन के ग्राफ के अंदर क्या आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब ग्राफ कहां से बनेगा, ये ग्राफ कहां से बनेगा नीचे से बनेगा, कहां से बनेगा नीचे से, अगर ये पॉजिटिव होता तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है ऊपर से, कहां से बनता ऊपर से, यानी यहां से आता, समझ पा रहे हो, ठीक है ये नेगेटिव है, ठीक है क्लियर है इतनी बात। अच्छा एक अभी अभी दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ क्या था ये t/4 पर था, किस पर था टाइम कितना था जब t/4, तो इस ग्राफ को देखो आप t/4 पर आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, मतलब पहले पार्टिकल टाइम जीरो पर यहां आया, देखो रस्सी का ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल नीचे आया, ये यहां 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 आया, ये यहां, हर पार्टिकल अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है, लेकिन और लेकिन जब जैसे टाइम तुमने t/4 किया उस टाइम पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या, सभी पार्टिकल कहां आ गए इस लाइन में आ गए, ये आ गए सभी पार्टिकल, ये आ गए यानी सभी पार्टिकल कहां गए अपनी मीन पोजिशन पर आ गए। क्या ट्रेवलिंग वेव में ऐसा था, क्या सभी पार्टिकल एक साथ मीन पोजिशन पर थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वहां ऐसा नहीं था, यहां क्या देख रहे हो यहां अलग ही सिचुएशन है,
कि T/4 पर हर पार्टिकल कहां गया, अपनी मीन पोजीशन पर आ गया। अब देखो दूसरा ग्राफ और देखो टैन ये कि टू एक्स साइन के एक्स पर था, T/2 पर कितना था, T/2 पर, इसको और देखो 2a साइन के एक्स, 2a मतलब पॉजिटिव है और साइन का ग्राफ है तो कहां से बनेगा ये वाई एक्स का ग्राफ, ऊपर से आएगा, ठीक है। अब अगला ग्राफ और देखो, ये 3t/4 पर था और ये t पर था, तो ये ग्राफ और देख लो, मैं इसको थोड़ा छोटा बनाऊंगा ताकि आ जाए नीचे फ्रेम में। t मानो 3t/4 पर, तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। अब आपको फील आने वाला है, दिख रहा है ना, आपको फील आने वाला है, देखो क्या टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर ये जो रस्सी का पार्टिकल है, ये वाला यहां है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, देखो ये कहां डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, नीचे की तरफ, ये वाला पार्टिकल कहां डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, नीचे की तरफ, ये वाला पार्टिकल कहां डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, नीचे की तरफ, ये वाला पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहा है, नीचे की तरफ, ध्यान से समझना है, ये वाला पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये वाला पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये वाला भी पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये वाला भी पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे टाइम T/4 होता है, उस टाइम पर ये सभी पार्टिकल कहां गए, अपनी मीन पोजीशन पर आ गए, कहां गए, अपनी मीन पोजीशन पर आ गए, समझ पा रहे हो। अब टाइम टाइम T/2 पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2a sin kx, तो ग्राफ क्या बोल रहा है कि यही पार्टिकल, अब पहले पार्टिकल नीचे आया, पहले पार्टिकल देखो, पहले पार्टिकल कहां आया, नीचे आया, और देखो ध्यान से समझो, पहले पार्टिकल कहां आया, ये नीचे, नीचे आ गया, T/4 पर ये पार्टिकल कहां गया, अपनी मीन पोजीशन पर आ गया, फिर ये पार्टिकल कहां गया, फिर ये पार्टिकल कहां पहुंच गया, ऊपर की तरफ, कहां पहुंच गया, ऊपर की तरफ। तो आप क्या देख रहे हैं, यही पार्टिकल, मैं किसी पार्टिकुलर पार्टिकल की बात करता हूं मैं, ठीक है, मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, मान के चलो ये पार्टिकल कहां आया, नीचे, फ्री पार्टिकल कहां गया, T/4 पर, कहां गया, मीन पोजीशन पर, फ्री पार्टिकल कहां पहुंच गया, ऊपर की तरफ, फिर 3t/4 पर पार्टिकल कहां गया, अपनी मीन पोजीशन पर, फिर ये पार्टिकल कहां गया, टाइम t पर कहां गया, ये पार्टिकल कहां गया, नीचे की तरफ। मेरे भाई हर पार्टिकल को देखो, मैं किसी पार्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी जगह से पहले कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, फिर मीन पोजिशन पर आ रहा है, फिर मीन पोजिशन के बाद फिर ऊपर जा रहा है, फिर मीन पोजिशन पर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो अपनी जगह से ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, क्या हो रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, SH। आप किसी और पार्टिकल की बात कर लो, मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो पहले पार्टिकल टाइम जीरो पर यहां है, यहां आपने फोटो खींचा टाइम जीरो पर, ये पार्टिकल आपको यहां दिखा, इसके बाद T/4 पर आपने फोटो खींचा, ये पार्टिकल कहां है, अपनी मीन पोजिशन पर आ गया, फिर पार्टिकल T/2 पर कहां पहुंच गया, यही पार्टिकल रस्सी का कहां पहुंच गया, ऊपर की तरफ, यहां पहुंच गया, फिर पार्टिकल 3T/4 पर कहां पहुंच गया, यहां अपनी मीन पोजीशन पर लौट कर आ गया, फिर पार्टिकल कहां पहुंच गया, टी टाइम पर कहां पहुंचकर आ गया, नीचे की तरफ, तो ये पार्टिकल पहले कहां है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, फिर पार्टिकल कहां गया, मीन पोजीशन पर आ गया, ठीक है, फिर पार्टिकल कहां पहुंच गया, ये पार्टिकल फिर कहां पहुंच गया, ऊपर की तरफ, फिर पार्टिकल मीन पोजीशन पर लौट कर आ गया, और फिर पार्टिकल कहां पहुंच गया, नीचे की तरफ, तो यही पार्टिकल नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसे तो मैं सचिन कह रहा है, और हर पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग है, कैसे, समझो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से समझो, ये वाला पार्टिकल देखो आप, ये वाला पार्टिकल देखो, काम की बात समझो पहले, आप क्या देख रहे हो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, कि इसमें एक पार्टिकल तो ऐसा है जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रहा है, ऐसा एक पार्टिकल है जो कि क्या दे रहा है, मैक्सिमम यानी अत्यधिक अत्यधिक आयाम दे रहा है, मान के चलो मैं इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, इनमें यानी ये वाला पार्टिकल, ये वाला जो पार्टिकल है ये सबसे ज्यादा क्या दे रहा होगा, एम्पलीट्यूड दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, ये वाला पार्टिकल, इसके बाद जितने भी पार्टिकल है इसे थोड़ा सा नीचे होगा कि नहीं होगा, ये साइड वाला पार्टिकल थोड़ा नीचे होगा कि नहीं होगा, ये वाला हल्का सा नीचे होगा कि नहीं होगा, ये नीचे होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, आप इस पार्टिकल की बात करो, ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, यानी इसका मैक्सिमम फ्लूड होगा, ए मैक्सिमम फ्लूड होगा, लेकिन इसके साइड वाले जितने भी पार्टिकल हैं वो इससे कम, इससे कम एम्पलीट्यूड तय कर रहे होंगे, कम डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात, यानी ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, लेकिन इसके जो साइड वाले जितने भी पार्टिकल हैं वो इससे कम कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड कवर कर रहे हैं लेकिन इससे कम कर रहे हैं,
और इनमें भाई साहब एक पार्टिकल तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा जो कि बहुत आलसी है, वो अपनी मीन पोजीशन को ही नहीं छोड़ रहा। देखो ये वाला पार्टिकल देखो, यहां है टाइम जीरो पर, टी बाई फोर पर भी ये पार्टिकल यही है, टी बाई टू पर भी ये पार्टिकल यही है, थ्री टी बाई फोर पर ये पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन पर है, और टी पर भी पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन पर है। अब टाइम जीरो पर ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन पर है, टी बाई फोर पर ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन पर है, टी बाई टू पर ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन पर है, थ्री टी बाई फोर पर ये पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन पर है, यही पार्टिकल सेम, और टी टाइम पर ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन पर है। टी वाई जीरो पर ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला पार्टिकल रस्सी का और ये वाला पार्टिकल, यानी कुछ तो इसमें बेसरम है इसमें पार्टिकल जो कि अपनी जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं, और कुछ पार्टिकल इसमें ऐसे हैं जो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। दो बात समझ में आ रही है, कुछ पार्टिकल तो इसमें ऐसे हैं जो कि उनका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट यानी बिल्कुल जीरो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, बिल्कुल अपनी मीन पोजिशन पर है, और कुछ पार्टिकल क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब आते हैं काम की बात। क्या दिखा आपको यहां, ये जो एम्पलीट्यूड है यानी अभी अभी जो इक्वेशन, ये क्या एम्पलीट्यूड कितना है यहां पर 2a, कितना एम्पलीट्यूड है ये 2a, यहां भाई साहब ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन क्या हुआ करती थी a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स, वहां एम्पलीट्यूड कितना होता था a, लेकिन यहां एम्पलीट्यूड कितना है, ये कितना एम्पलीट्यूड है, ये 2a एम्पलीट्यूड है, कितना एम्पलीट्यूड है ये 2a एम्पलीट्यूड है, ये a नहीं है, पहली बात तो ये, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर पार्टिकल यहां SHM करेगा, बट लेकिन और लेकिन, हर पार्टिकल SHM करेगा लेकिन और लेकिन, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, यानी हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है डिफरेंट, ये वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये वाले का ये है, ये वाले का ये है, ये वाले का ये, यानी हर पार्टिकल SHM करेगा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा अलग अलग होगा। तो ये लाइन में लिख देता हूं कि ऑल पार्टिकल, सभी कण, ऑल पार्टिकल डूइंग SHM, सभी पार्टिकल सरल आवर्त गति करेंगे लेकिन और लेकिन, बट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, अलग अलग आयाम के साथ, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा अलग, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इतनी बात क्लियर है। लेकिन आप याद करो ट्रेवलिंग वेव में क्या होता था, ट्रेवलिंग वेव में ये था कि पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड था वो a था, और यहां पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है 2a है, कितना है 2a है, और ट्रेवलिंग वेव में पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना था a, और उसमें क्या था कि एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल होती थी या मोमेंटम, ऊर्जा या संवेग, इसमें क्या है भाई साहब, इसमें तो खुद ही एनर्जी एनर्जी खेल रहे हैं, पार्टिकल ऊपर गया तो यहां क्या पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजिशन पर आया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, फिर नीचे गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, फिर ऊपर आया, यानी पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं स्थित ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं गतिज ऊर्जा, फिर मीन पोजिशन पर आया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, मीन पोजिशन पर क्या होती थी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती थी कि नहीं होती थी, पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती थी उसकी मैक्सिमम, फिर पार्टिकल ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो ये भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव के अंदर, अब फील आ रहा होगा, लेकिन ट्रैवलिंग वेव में क्या है, ट्रैवलिंग वेव में क्या है कि आगे की तरफ एनर्जी जाती थी, और उसका एम्पलीट्यूड कितना होता था ए, यहां एम्पलीट्यूड कितना है 2a, और एनर्जी क्या है इसकी ऊपर नीचे जा रही है, आगे की तरफ ट्रेवल नहीं कर रही है, ऐसी ही वेव को स्टैंडिंग वेव कहते हैं, जिसकी एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल नहीं करती है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना होता है 2a, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं स्टैंडिंग वेव कहते हैं, आपको फील हो रहा होगा, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं इन ग्राफ्स को रफ कर रहा हूं और दोबारा से एक बढ़िया वाला ग्राफ बना रहा हूं, उसमें कुछ बातें आपको भी और समझानी है, हो गया ये रफ करूं। अब देखो, अब मैं आपको एक ग्राफ दोबारा से ड्रॉ करता हूं और उसमें कुछ चीजें आपको समझानी है, जैसे नोड क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं, प्रस्पंद या निष्पंद क्या होते हैं, उस चीज को मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। देखो देखो ये ग्राफ है वाई और एक्स के बीच का, तुम क्या देख रहे थे कि कुछ पार्टिकल इतने बेशर्म थे कि वो अपनी जगह से छोड़ ही नहीं रहते, वो अपनी जगह पर फिक्स थे, चाहे टाइम जीरो हो, टी बाई फोर हो, टी बाई टू हो, थ्री टी बाई फोर हो, कोई भी टाइम हो, वो पार्टिकल अपनी कहां थे मीन पोजीशन पर थे,
आप हर ग्राफ के अंदर आप फील कर सकते हो। देखो कॉपी उठा के जहां आप नोट्स बना रहे थे, कुछ पार्टिकल ऐसे थे कि वो हर बार अपनी कहां थे, मीन पोजिशन पर थे। ऐसे पार्टिकल को हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे इसको? नोड, NODE। और हिंदी में नोड को बोलते हैं निस्पंद। क्या बोलते हैं? निस्पंद। तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, इसे क्या बोलेंगे हम? नोड। क्या बोलेंगे? नोड। इसको किससे दर्शाएंगे? N। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? निस्पंद। ये क्या कहलाएगा? नोड। ये क्या कहलाएगा? नोड। ये भी नोड। ये भी क्या कहलाएगा? नोड। ये भी क्या कहलाएगा? नोड। यानी ऐसा पार्टिकल जिसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम, सबसे कम, या यूं कहूं कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। जो अपनी जगह को ही नहीं छोड़ते हैं, ऐसे पार्टिकल की पोजीशन को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, एन कहते हैं, निस्पंद कहते हैं। समझ पा रहे हो? यानी मैं यहां यूं बोल सकता हूं, नोड का मतलब आपको समझ में आ गया। नोड को एन से दर्शाते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निस्पंद। उसका मतलब क्या है कि विच पार्टिकल, जो पार्टिकल, विच पार्टिकल हैव मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जिनका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जिनका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? नोड। उनकी पोजीशन को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरा एक वर्ड है एंटी नोड। क्या है? एंटी नोड। इसको बोलते हैं, इसको वो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको प्रस्पंद। क्या कहते हैं इसको? प्रस्पंद। क्या कहते हैं इसको? प्रस्पंद। ये वो पार्टिकल की पोजीशन होती है जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। यानी एक इनमें एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम होगा, एक ही पार्टिकल का इसमें। अदरवाइज और जितने पार्टिकल है इनका इससे कम होगा। तो ये वाली जो पोजीशन है पार्टिकल की, ये क्या कहलाएगी? एंटी नोड्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एंटी नोड्स, यानी प्रस्पंद। ये पार्टिकल जो है यहां, इसकी ये क्या होगी? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं? एंटी नोड्स बोल रहे हैं। एंटी नोड्स, ठीक है? गर्मी बहुत है भाई आज। एंटी नोड्स, ठीक है? ये वाला पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम, तो इसकी जो पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं? एंटी नोड्स। ये वाला पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो इसको क्या बोल रहे हैं? एंटी नोड्स। उसकी पोजीशन को क्या बोल रहे हैं? एंटी नोड्स। क्या मेरी बात तुम समझ पा रहे हो? तो एंटी नोड क्या है? जिस पार्टिकल का, जिस कण का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी आयाम क्या है उसका? मैक्सिमम। उस पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं? एंटी नोड्स, प्रस्पंद। दोनों बातें क्लियर है? नोड जहां पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है उसको हम नोड कहते हैं, जहां पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स कहते हैं। इतनी बात, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मत बोलो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलो, है ना? क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसका अत्यधिक विस्थापन है, ठीक है? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जरा देखो, अब आपको पता है कि कंप्लीट वेव बनने में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां तक लैम्डा। समझ पा रहे हो? ये यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलते हैं? लैम्डा। ये कंप्लीट वेव है, इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। अगर ये लैम्डा है तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी? आधी इसकी, दैट इज लैम्डा वाई टू। और ये क्या हो गई यहां? लैम्डा। तो ये लैम्डा वाई टू हो गई, ये लैम्डा हो गई। और ये क्या हो जाएगी? ये लैम्डा, ये लैम्डा हो गई, यहां तक क्या हो जाएगी? लैम्डा वाई टू। तो लैम्डा प्लस लैम्डा वाई टू, ये क्या हो जाएगा? थ्री लैम्डा वाई टू। और थ्री लैम्डा वाई टू प्लस लैम्डा वाई टू, फोर लैम्डा वाई टू, यानी ये क्या हो जाएगा? टू लैम्डा। समझ पा रहे हो? ये हो जाएगा टू लैम्डा। अगर मैं तुमसे नोड की पोजीशन निकलवाऊं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, नोड की पोजीशन क्या हो जाएगी? या तो पोजीशन की नोड कहां है? जीरो पर। नोड कहां है? जीरो पर। फिर नोड कहां है? लैम्डा वाई टू पर। फिर नोड कहां है? लैम्डा पर। फिर नोड कहां है? थ्री लैम्डा वाई टू पर। फिर नोड कहां है? टू लैम्डा पर। ये पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो पहली बात, अगला है पोजीशन ऑफ नोड, यानी नोड को हिंदी में क्या बोल रहे थे? निस्पंद की स्थिति कहां है? तो भैया कहां इसकी स्थिति? एक्स कितना है उसका? कहां है? जीरो पर है। कहां है पहले? वो जीरो पर है। फिर कहां है वो? लैम्डा बाई टू पर है। फिर कहां है वो? लैम्डा पर है। फिर कहां है वो? थ्री लैम्डा बाई टू पर है। फिर कहां है वो? टू लैम्डा पर है, ठीक है? अब देखो आगे, पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ, पोजीशन को हिंदी में कहते हैं स्थिति ऑफ एंटी नोड्स, यानी प्रस्पंद की स्थिति क्या है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका प्रस्पंद, ये एंटी नोड है, ये आपका एंटी नोड, ये आपका एंटी नोड, ये आपका एंटी नोड है। तो मेरे भाई देख, अगर ये लैम्डा बाई टू ये है यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा इसका आधा, दैट इज लैम्डा बाई फोर। तो पहली स्थिति कहां पर निकल के आ गई, लैम्डा बाई फोर पर। अब जरा सोच, अगर ये लैम्डा बाई फोर है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो एंटी नोड्स है, तो ये लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर, तो कितना हो जाएगा लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई टू कितना आ जाएगा, थ्री लैम्डा बाई फोर। क्लियर है इतनी बात, कितना आ जाएगा थ्री लैम्डा बाई फोर। अच्छा, यानी यहां ये क्या निकल के आ गया, थ्री लैम्डा बाई फोर। अब फिर ये थ्री लैम्डा बाई फोर प्लस ये लैम्डा बाई फोर प्लस ये लैम्डा बाई फोर यानी लैम्डा बाई टू, तो ये आ जाएगा आपका थ्री लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई टू यानी फाइव लैम्डा बाई फोर। कितना आ गया ये, फाइव लैम्डा बाई फोर। तो फाइव लैम्डा बाई फोर पर एंटी नोड्स बनेगा, ये फाइव लैम्डा बाई फोर है, तो यहां से आता है लैम्डा बाई फोर, ये भी लैम्डा बाई फोर, तो लैम्डा बाई फोर और लैम्डा बाई फोर कितना हो जाएगा लैम्डा बाई टू, तो फाइव लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई टू कितना हो जाएगा ये सेवन लैम्डा बाई फोर, कितना आ जाएगा ये सेवन लैम्डा बाई फोर एंड सो फोर। समझ पा रहे हो, तो एंटी नोड की स्थिति आपको पता होनी चाहिए, कहां बनेंगे एंटी नोड्स, लैम्डा बाई फोर पर, थ्री लैम्डा बाई फोर पर, फाइव लैम्डा बाई फोर पर, सेवन लैम्डा बाई फोर पर। और नोड कहां बनेंगे, जीरो पर, लैम्डा बाई टू पर, लैम्डा पर और थ्री लैम्डा बाई टू पर और टू लैम्डा पर। इतनी बात है, क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखो, अब कुछ और पॉइंट्स हैं यहां। पहला पॉइंट क्या है कि लगातार दो नोड के बीच में, लगातार दो नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, पहला क्वेश्चन। तो मैं बोल रहा हूं, ये देखो ये नोड है, ये आपका नोड है, सॉरी ये नोड है, ये नोड है, ये आपका ये नोड है, ये आपका ये नोड है, ये आपका ये नोड है, तो लगातार किन्हीं दो नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, लगातार, यानी हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड, लगातार दो नोड के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो ये दो नोड है लगातार, ये फिर ये दो नोड लगातार, फिर लगातार ये दो नोड, तो कितनी डिस्टेंस है इनके बीच की, लैम्डा बाई टू। तो मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव यानी लगातार कंजिक्यूटिव नोड, वो कितना है भाई लैम्डा बाई टू, कितना है लैम्डा बाई टू, यानी लगातार दो निष्पंद की जो दूरी है वो कितनी होगी लैम्डा बाई टू। पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि लगातार दो, लगातार दो एंटी नोड की यानी प्रस्पंद की दूरी क्या होगी लगातार। देखो ये एंटी नोड, ये आपका एंटी नोड, ये आपका एंटी नोड, ये आपका एंटी नोड, तो लगातार इनकी दूरी क्या होगी, ये भी लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई है लैम्डा बाई टू, ये लैम्डा बाई फोर और लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई टू, तो इनके बीच की दूरी क्या आ गई लैम्डा बाई टू, ये लैम्डा बाई फोर और ये लैम्डा बाई फोर, इनके बीच की दूरी कितनी निकल के आ गई है लैम्डा बाई टू। तो लगातार नोड और एंटी नोड लगातार उनके बीच की दूरी कितनी होती है लैम्डा बाई टू होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव एंटी नोड्स वो कितना होता है दैट इज लैम्डा बाई टू, दैट इज लैम्डा बाई टू। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब नोड और एंटी नोड के बीच में क्या दूरी होगी, ये सवाल बन चुके हैं, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगी। अब नोड ये है, ये एंटी नोड है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई फोर। ये आपका एंटी नोड है, ये नोड है, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई फोर। ये आपका नोड है, ये आपका एंटी नोड है, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई फोर। ये आपका एंटी नोड है, ये नोड है लैम्डा बाई फोर, ये नोड है, ये एंटी नोड है लैम्डा बाई फोर, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है लैम्डा बाई फोर, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई फोर। तो डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड एंड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड, इनके बीच की दूरी कितनी है लैम्डा बाई फोर। मेरे भाई इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है, एंटी नोड और नोड और उनके बीच की डिस्टेंसेस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहां से एक्स रूप में क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये तो था ग्राफिकल मेथड, आपको मैं समझा चुका हूं, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि नोड वो होते हैं जहां पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, एंटी नोड्स वो होते हैं जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। ये आपको पोजीशन क्या होगी नोड की, पहले जीरो पर बनेगा, लैम्डा बाई टू पर बनेगा, लैम्डा पर, थ्री लैम्डा बाई टू पर, फिर टू लैम्डा पर, पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स है। फिर मैंने बताया लगातार दो कंजुकेटिव, लगातार कंजुकेटिव का मतलब क्या, लगातार दो नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू,
एंटा नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई टू, और लगातार नोड और एंटा नोड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई फोर। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो। अब आपको मैं मैथमेटिकल या मैं यूं कहूं एनालिटिकल मेथड से आपको समझाने वाला हूं ये चीज। ये तो था ग्राफ के बेसिस पर, अब आपको एनालिटिकल से भी समझाने वाला हूं। ठीक है, हो गया नोट, रफ करें। अब देखो, अब मैं आपको समझाने वाला हूं एनालिटिकल मेथड या बोल दो मैथमेटिकल मेथड से। अगर मुझे वीडियो शॉर्ट करना होता तो मैं आपको ग्राफिकल मेथड नहीं सिखाता। ग्राफिकल मेथड मैंने क्यों सिखाया, उससे फील आई आपको, एकदम 100% फील आई कि यार पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, यानी SHM हो रहा है, एनर्जी ऊपर नीचे जाती है स्टैंडिंग वेव में, एम्पलीट्यूड 2a होता है, फील आया। अब वही चीज मुझे एनालिटिकल में फॉर्मूले से बतानी है आपको, नोड एंटी नोड, वही चीज जो मैंने ग्राफ से समझाई है, चीजें सेम है लेकिन ग्राफ से मैं फील आ गया है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो अब स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल बोल दो या फिर आप फिर मैथमेटिकल बोल दो, है ना। आपको मैंने वेव की इक्वेशन क्या कराई थी, मैंने आपको वेव की इक्वेशन कराई थी y बराबर माइनस टू ए साइन के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही तो थी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, अप्रगामी तरंग का समीकरण यही तो था, माइनस टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। क्लियर, देखो एक बात मैं लिख रहा हूं, क्या जरा देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया था, ये वेव थी, ये वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये है, ये वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये है, इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये है, इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये है, इस वाले पार्टिकल का ये है, इस वाले पार्टिकल का ये है, इस वाले पार्टिकल का ये है। क्या कण का आयाम, क्या एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल किस पर डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल की पोजिशन पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भैया ये इससे एक्स डिस्टेंस कितना है, ये से एक्स डिस्टेंस कितना है, ये से एक्स डिस्टेंस कितना है। तो यही बात मैं लिखने जा रहा हूं, ये बात लिखने जा रहा हूं कि इन स्टैंडिंग वेव यानी अप्रगामी तरंगों में, इन स्टैंडिंग वेव हिंदी वाले भी लिखते चले, अप्रगामी तरंगों में एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल यानी कण का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल कण का आयाम डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ पार्टिकल, कण के स्थिति पर निर्भर करता है। अप्रगामी तरंगों में कण का आयाम कण की स्थिति पर निर्भर करता है यानी पोजीशन ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब ये जो माइनस टू ए साइन के एक्स है इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको, आयाम एम्पलीट्यूड, और जो कॉस ओमेगा टी है इसे बोलते हैं फेज, यानी क्या बोलते हैं इसको, कला, समझ लो मेरी बात, कॉस ओमेगा टी इसे क्या बोल रहे हैं, फेज, और माइनस टू ए साइन एक्स इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब मैं जो बात करने वाला हूं वो आपसे बात करने वाला हूं नोड यानी निष्पंद के बारे में, किसके बारे में, नोड के बारे में, नोड को क्या बोलते हैं, निष्पंद, इसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, नोड था क्या, जहां पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था भाई साहब, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, यानी मैं बोल सकता हूं मिनिमम, या मैं यूं बोल दूं जीरो, यही तो था नेट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो। ऐसा पार्टिकल इतना बेशर्म कि जो अपनी जगह ही नहीं छोड़ रहा, पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा, वो तो मीन पोजीशन पर बैठा हुआ है, माध्य स्थिति पर बैठा हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, मिनिमम। क्या नोड टाइम पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप देख रहे थे चाहे टाइम टी वाई फोर हो जाए, चाहे जीरो हो जाए, चाहे टी वाई टू हो जाए, चाहे थ्री टी वाई फोर हो जाए, चाहे टी हो जाए, पार्टिकल जो नोड वाले जो पार्टिकल हैं वो अपनी जगह पर आराम से मस्त बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम से, इतने बेसर में टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी मैं यहां बोलने वाला हूं कि जो नोड है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, पार्टिकल की पोजिशन टाइम पर डिपेंड नहीं करती, तो डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, समय पर निर्भर नहीं करता, पहली बात तो टाइम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, और उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, मैक्सिमम, इतनी बात क्लियर है। अबे मैक्सिमम है यानी टाइम पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो कहानी खत्म है, टाइम पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है नोड, तो अब होगा क्या कि ये अब किस पर डिपेंड करेगा, इस पर, भाई एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल किस पर डिपेंड करता है, एक्स पर, यानी पोजिशन ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। अब ये माइनस टू ए साइन के एक्स की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम,
भैया जब ये मिनिमम होगी जब भी तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब हो सकता है, ये मिनिमम कितने पर होगा, ये देखो ये क्या है, के एक्स यही तो एंगल है आपका, फाइ यही तो है, तो के एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी। तो अगर ये जीरो हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी मिनिमम होगी। यानी अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो के एक्स है उसकी वैल्यू क्या हो, जीरो, जीरो पर ये साइन की वैल्यू मिनिमम होगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 180 पाई की वैल्यू भी जीरो होगी, साइन 2 पाई ये भी जीरो होगी, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो एंड सो फोर। इन सब पर साइन की वैल्यू कैसी होती है, जीरो। यानी पाई के मल्टीपल में, तो जीरो और पाई के मल्टीपल में हमेशा वैल्यू कैसी होती है, साइन की जीरो। अब जरा देखो इस के एक्स को हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस के को, फाई बोलते हैं। आप के की वैल्यू लिखो 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, तो मेरे भाई के की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। अब एक काम करो, आप यहां से लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है आप क्या करो, इससे कंपेयर कर दो, हर बार जीरो से कंपेयर कर दो, एक बार पाई से कंपेयर कर दो, 2 पाई से कंपेयर कर दो, 3 पाई से कर दो और 4 पाई से तुलना कर दो। ऐसे देख लो कि यहां मैं ऐसे लिख दूं 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स बराबर जीरो, कंपेयर कर दिया, तो अब एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, पूरा जीरो हो जाएगा। तो यानी जो नोड था पोजिशन पार्टिकल की क्या हो जाएगी, जीरो पर, जीरो पर क्या बनेगा, नोड बनेगा। याद करो ये वेव थी, यहां जीरो पर क्या था हमारा, या नोड था, फिर हमारा नोड यहां था, फिर हमारा नोड यहां था, समझ पा रहे हो। अब इस बार एक काम करो, पाई से कंपेयर कर दो, तो पाई से कंपेयर कर दो, पाई से पाई गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा बाई टू पर भी क्या बन रहा था, नोड बन रहा था, तो ये क्या था हमारा, लैम्डा बाई टू। याद करो, अब एक काम करो 2 पाई से कंपेयर कर दो, 2 पाई से, तो 2 पाई से 2 पाई गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा, तो लैम्डा पर भी हमारा क्या बन रहा था, यहाँ नोड बन रहा था। समझ में आ रहा होगा, ग्राफिकल में था। अच्छा अब देखो फिर आगे, अगर मैं 3 पाई रख दूं, क्या रख दूं इसमें, 3 पाई, तो पाई से पाई गया तो एक्स कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, तो मेरे भाई यहां कितना था, 3 लैम्डा बाई 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लैम्डा बाई 2 पर क्या बन रहा था, नोड बन रहा था। अब जरा 4 लैम्डा रख दो, यहाँ क्या रख दो, 4 लैम्डा, तो पाई से पाई गया, और सॉरी 4 पाई रख दो, तो 2 से 2 बार गया तो क्या आ गया, 2 लैम्डा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लैम्डा, तो यहां पर ये क्या था, 2 लैम्डा, तो यहां पर भी क्या था, नोड। वही चीज है, सेम वही चीज है। अगर आप ग्राफिकल मेथड पढ़ लिए हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है, क्लियर हो गया। तो यह क्या आ गया आपका, 2 लैम्डा। ज्यादातर टीचर आपको यही मेथड कराएंगे, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। मैंने आपको ग्राफिकल भी कराया है, इतनी बात है, क्लियर है, ठीक है। ये तो आ गया आपका नोड, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको कराने वाला हूं एंटी नोड्स। क्या कराने वाला हूं, एंटी नोड्स, इसको नोट करो। हो गया, देखो इसको मैं रफ कर दूं यहां से, एंटी नोड्स देखो, यानी प्रश्नपंद, प्रश्नपंद कहते हैं हिंदी, ठीक है। तो एंटी नोड्स, प्रश्नपंद, ठीक है, प्रश्नपंद कहते हैं इसको हिंदी में। यानी इसका मतलब यह है कि एंटी नोड का मतलब क्या है, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो, मैक्सिमम, कितना हो, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब हो सकता है ये क्या हो, मैक्सिमम, यानी -2a साइन ऑफ के एक्स भी क्या हो, अत्यधिक हो, मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कितने पर हो सकता है, इस के एक्स की वैल्यू साइन थीटा, ये मैक्सिमम कितने पर हो सकता है, 90 पर, पाई बाई 2 पर हो सकता है। यानी के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितने पर हो सकती है, पाई बाई 2 पर हो सकती है, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 1, ध्यान रखना प्लस माइनस 1, माइनस में नीचे जाएगा प्लस में ऊपर आएगा। 3 पाई बाई 2 पर भी हो सकती है, माइनस वन में पहुंच जाएगा 3 पाई बाई 2 पर, 90 पर प्लस 1 और 270 माइनस 1, फिर हो जाएगा आपका 5 पाई 2 पर, फिर आपका आएगा 7 पाई बाई 2 पर, इस तरीके से आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब के एक्स को क्या बोल रहे थे हम, फाई, के की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई लेमडा इन 2 एक्स। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या कर दो, कंपेयर कर दो, एक बार पाई बाई 2 से, एक बार 3 पाई बाई 2 से, एक बार 5 पाई बाई 2 से, और एक बार 7 पाई बाई 2 से, तो कर दो 2 पाई बाई लेमडा इन 2 एक्स बराबर पाई बाई 2 से कंपेयर कर दो। तो क्या था, पाई से पाई गया, 2 दूनी 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा बाई 4। याद करो मैंने आपको यही तो बताया था, ये आपका क्या था, एंटी नोड, तो ये क्या होगा, लेमडा बाई 4। फिर उसके बाद मैंने 3 पाई बाई 2 से कर दो, इसको कितने से कंपेयर कर दो, 3 पाई बाई 2 से, तो पाई से पाई गया तो कितना आ गया, 3 लैम्डा बाई 4, कितना आ गए, 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4। तो आगे वाला मैंने आपको यही तो बताया था, ये 3 लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2, तो कितना आ गया था, 3 लैम्डा बाई 4।
इसके बाद देखो 5π/2 से कंपेयर कर दो, किससे, 5π/2 से, तो पाई से पाई गया तो कितना आ गया 5λ/4, समझ पा रहे हो ना, 5λ/4। तो आगे वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी यहाँ, 5λ/4, ठीक है। फिर 7λ/4 से कंपेयर कर दो, किससे कर दो, 7π/4 से, 7π/2 से, तो पाई से पाई गया तो 2 × 4 तो कितना आ गया 7λ/4। तो ये क्या, यहां क्या था, ये 7λ/4, ये एंटी नोड्स, तो ये आपके एंटी नोड्स की पोजीशन आ गई, λ/4, 3λ/4, 5λ/4, 7λ/4, आगे 9λ/4, 11λ/4 आगे चलता रहेगा। इतनी बात क्लियर है, तो ये आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपकी पोजीशन कहाँ है नोड की और एंटी नोड्स की, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, एयरफोर्स नेवी एग्जाम, ठीक है। अब तो मैंने आपको ये कराया था रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, जिसमें एक बात और मैं तुम्हें यहां बता दूं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड में क्या था, याद करो, हम रेयर मीडियम से कहां जाते थे, डेंसर मीडियम की तरफ, कहां जाते थे, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाते थे, मैंने कल बता दिया था लेकिन फिर भी एक बार बता दूं, कहां जाते थे, रेयर से डेंसर में, ठीक है, इसको नोट करो। अब फिर मैं आपको कराऊंगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, फ्री एंड से, हो गया नोट, रफ करें। देखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूं, रिवाइज करा देता हूं एक बार, क्या था ये हमारे पास वॉल थी और यहां हम कहां जाते थे, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक है। देखो यहां क्या था, ये कैसा पॉइंट था, फ्री एंड था, कैसा था, यहां रिंग ली थी जो कि मासलेस थी, ये सब बात मैंने आपको बताई थी, ताकि ये रिंग ऊपर नीचे मूव करेगी, ठीक है, ये फ्री थी, तो यहां से झटका मारा, इसमें वेव बनी, वेव की स्पीड किस डायरेक्शन में, इसमें ये है, झटका मारा तो एक वेव बनी, अब इसका एम्पलीट्यूड क्या, ये ए, फिर क्या हुआ, इसे टकराने के बाद अब ये पल्स ऊपर बनेगी ना कि नीचे आएगी, क्यों, क्योंकि मूवेबल है, अभी रस्सी इसमें देखो यहां है, ये ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर सीधा आ जाएगी, ये नीचे की तरफ नहीं बनेगा इसमें, तो ये एम्पलीट्यूड कितना बन गया ए। अब वेव की स्पीड किस डायरेक्शन में, इसमें, क्लियर है, आप कहां जा रहे हैं, डेंसर से डेंसर में वापस आ रहे हैं, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यहां मैंने आपको इक्वेशन क्या बताई थी, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस बार यहां फेज कितना है, कोई चेंज नहीं है, फेज कितना है, जीरो, कोई कला में परिवर्तन नहीं है, जीरो है। यहां रिफ्लेक्टेड वेव के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, ए साइन डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स में, तो क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स। अगर आप यहां नेट निकालोगे तो वाई नेट क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज वाई आई प्लस वाई आर, वेक्टर सम दोनों का, और वाई आई कितना है ए, क्या मैं ए कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर बचेगा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। अब ये क्या बन गया, साइन सी प्लस साइन डी, तो भैया साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर दो, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 sin c + d / 2 × cos c − d / 2, ये फॉर्मूला यूज कर दो, या फिर ये यूज कर सकते हैं आप साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी, ये थोड़ा आसान सा है, यूज कर दो, आ जाएगा ये ए, अब टू, टू भी तो आएगा इसके साथ, 2a साइन सी प्लस डी, ये मेरे भाई ये c है और ये क्या है d, c प्लस डी, तो ये 2 ओमेगा kx से kx गया तो बचा क्या ओमेगा t प्लस ओमेगा t, 2 ओमेगा t अपॉन 2, ठीक है, तो 2 से 2 खत्म, तो बचा क्या ओमेगा t इनटू cos c माइनस d, ओमेगा t से ओमेगा t खत्म, और ये क्या बनेगा cos माइनस kx, मेरे भाई 2 से 2 खत्म हो जाएगा, cos माइनस थीटा, cos थीटा पॉजिटिव बनता है, तो इसको ऐसे लिख दो 2a 2a cos kx sin of omega t, ये आपकी क्या निकल के आ गई, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन निकल के आ गई। इस बार क्या देख रहे हो तुम, kx के साथ क्या आ गया cos, omega t के साथ क्या आ गया sin, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास याद रखना एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए 2a, इस बार देखो नेगेटिव नहीं है एम्पलीट्यूड फ्री एंड में, तो माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, एम्पलीट्यूड कितना है 2a, kx और ओमेगा टी का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, इतनी बात है, क्लियर है।
ठीक है, ये आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। यहां मैं अब तुम्हें ग्राफिकल मेथड से इसको नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि जरूरत नहीं है, आपको फील तो आ ही गया कि स्टैंडिंग वेव है क्या। इसको मैं आपको एनालिटिकल मेथड से समझाऊंगा कि यहां फ्री एंड के केस में नोड और एंटी नोड की पोजीशन क्या होगी। आपके एग्जाम के लिए बार बार मैं बता रहा हूं, फिक्स्ड एंड की बात हो या फ्री एंड की बात हो, नोड और एंटी नोड, निष्पन्न और प्रष्पन्न दोनों की आपको स्थिति पता होनी चाहिए, पोजीशन पता होना चाहिए। इसको नोट करो, फिर मैं आपको इसके बारे में नोड बताने वाला हूं कि नोड की पोजीशन क्या होगी। हो गया नोट, रफ करें। अब देखो, अभी मैंने आपको स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या कराई फ्री एंड के केस में, वो मैंने आपको समझाई थी कि y बराबर 2a cos kx sin of omega t, ये थी आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन फ्री एंड के केस में। ठीक है, देखो इस 2a cos kx को हम बोलते हैं, जिसके साथ भैया kx होता है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब तो मेरे भाई समझ में आ जाना चाहिए, मैंने क्योंकि आपको समझाया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, कण का आयाम किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, x पर डिपेंड करता है। इसलिए जिसके साथ kx होगा वो आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, आयाम होगा, क्या बोलते हैं इसको, आयाम होगा। कॉस और साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ कॉस, जो जिसके साथ kx है वो आपका एम्पलीट्यूड है, और ये ओमेगा टी वाला क्या हो जाएगा, ये फेज हो जाएगा, कला हो जाएगी। ठीक है, देखो ये एनालिटिकल मेथड से आपको मैं समझा रहा हूं नोड और एंटी नोड्स फ्री एंड के केस में। सबसे पहले आप देखो नोड का केस, नोड इसको बोलते हैं निष्पन्द, क्या बोलते हैं निष्पन्द, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नोड था क्या, जहां पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो, मिनिमम हो, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो, कुल विस्थापन कितना हो, जीरो। यानी मुझे यह बोलना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कण का कुल विस्थापन कितना था, मिनिमम, या मैं यूं बोलूं कितना था, जीरो। ये जीरो कब हो सकता है, क्योंकि नोड तो टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो इतने आलसी होते हैं कि अपनी जगह पर ही बैठे रहते हैं, चाहे टाइम कुछ भी हो, तो किस पर डिपेंड करेगा, इस पर। तो मेरे भाई जब ये मिनिमम होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो लिख दो 2a cos kx की भी वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। अगर ये मिनिमम होगा तो y भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। मिनिमम होने का मतलब क्या है कि kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसको मैं kx को क्या बोल रहा था, phi। देखो 90 cos 90 की वैल्यू जीरो, 90 पर मिनिमम होता है cos, तो यहां 90 आ सकता है। फिर आपका 270 यानी 3 pi by 2 पर हो सकता है, फिर उसके बाद 5 pi by 2 पर हो सकता है, उसके बाद 7 pi by 2 पर होता है, एंड सो फोर लगा दो। ठीक है, इतने पर cos की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। अब जरा देखो k की वैल्यू पुट कर दो आप, 2 pi by lambda into x, यहां से आप lambda निकाल सकते हो, पोजीशन निकाल सकते हो नोड की, आप एक बार pi by 2 से कंपेयर कर दो, एक बार 3 pi by 2 से कंपेयर कर दो, एक बार आप 5 pi by 2 से कंपेयर कर दो, और एक बार आप 7 pi by 2 से कंपेयर कर दो। जब आप pi by 2 से कंपेयर करोगे तो lambda की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, pi से pi खत्म, 2 दुनी 4, तो क्या आ गया, lambda by 4। ठीक है, सॉरी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, lambda by 4, कॉमा पाई से पाई कैंसिल, तो 2 दुनी 4, तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू, 3 lambda by 4, पाई से पाई खत्म तो कितना आ जाएगा, 5 lambda by 4, जरा पाई से पाई खत्म आ गया तो कितना हो गया, 7 lambda by 4। यानी एंड नोड की जो पोजीशन है, सॉरी, जो नोड की पोजीशन है, निष्पन्द की जो पोजीशन है, वो क्या होगी, लेमडा बाई फोर फ्री एंड के केस में। याद करने की टेंशन मत लेना, अभी आपको एक चीज समझाने वाला हूं, इतनी बात क्लियर है। एंटी नोड्स यानी प्रष्पन्द, एंटी नोड में नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या था भाई साहब, नेट डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकल का क्या था, मैक्सिमम, अत्यधिक। और मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, और यानी लिख दो आप 2a cos kx की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब प्लस माइनस 1, kx की वैल्यू में, kx की वैल्यू मैक्सिमम, तो यानी cos की मैक्सिमम, तो kx की वैल्यू मैक्सिमम कितने पर हो सकती है, जीरो पर, cos जीरो की वैल्यू 1। इसके बाद होता है आपका 180 पाई पर माइनस 1, इसके बाद होता है आपका 360 यानी 2 पाई, फिर उसके बाद 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, एंड सो फोर, मैक्सिमम होगी वैल्यू।
अब जरा इसको हम बोलते हैं फाई, और के की वैल्यू कितनी लिख दो आप, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स। आप यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, पोजीशन निकाल दो एंटी नोड्स की फ्री एंड के केस में। तो कंपेयर कर दो एक बार जीरो से, पाई से एक बार, एक बार टू पाई से, एक बार थ्री पाई से, एक बार फोर पाई से। मेरे भाई यहां से एक्स कितना आ जाएगा, कंपेयर करोगे तो आप देखो ये पूरा जीरो बन गया। फिर जरा देखो पाई से कंपेयर करो तो पाई से पाई गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा बाई टू। टू पाई से टू पाई खत्म तो लैम्डा, थ्री पाई से पाई खत्म तो कितना आ जाएगा थ्री लैम्डा बाई टू, और फ्री कितना आ गया पाई से पाई खत्म दो दूनी चार टू लैम्डा एंड सो एंड सो फोर्थ। यानी ये क्या आ गई एंटी नोड की कंडीशन फ्री एंड के केस में। जरा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, याद करो जब मैं आपको फिक्स एंड करा रहा था तो फिक्स्ड एंड में जो नोड की कंडीशन थी, पोजीशन क्या थी नोड की फिक्स्ड एंड वाले केस में, जीरो लैम्डा बाई टू लैम्डा, निकालो नोट्स निकालो जो तुम लिख रहे थे, थ्री लैम्डा बाई टू टू लैम्डा। और यहां फ्री एंड के केस में, यहां फ्री एंड के केस में, यहां फ्री एंड के केस में क्या है, ये एंटी नोड की कंडीशन है। यानी जो नोड की कंडीशन थी किसमें, फिक्स्ड एंड के केस में, कहा फिक्स्ड एंड के केस में, जहां नोड की पोजीशन थी वो फ्री एंड के केस में किसकी होगी एंटी नोड्स की, जहां फिक्स्ड एंड में एंटी नोड की पोजीशन थी वो यहां किस में होगी नोड में। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यानी ये फिक्स्ड एंड में नोड की कंडीशन ये थी और यहां एंटी नोड की कंडीशन है फ्री एंड में। एक याद रख लो, फिर आप ये बात रिवर्स है बिल्कुल उल्टा है, फिर ये देखो जरा, और फिर यार याद करने की जरूरत नहीं, आपको ग्राफ ही मैंने ऐसा समझा दिया है। देखो ये ग्राफ है, यहां जरा देखो, यहां पार्टिकल रेस्ट में, यहां पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है, यहां पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, यहां पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, यहां जीरो, यहां कितना, यहां आपका ये पार्टिकल जीरो, यहां तो जीरो हो गया। अगला वाला कितने पर होगा पार्टिकल का नोड, ये लैम्डा बाई टू पर, अगले वाला कितना होगा ये लैम्डा बाई टू पर हो गया। फिर आगे वाला क्या बताया था मैंने आपको लैम्डा, फिर इसके बाद क्या कराया था थ्री लैम्डा बाई टू, और इसके बाद क्या कराया था मैंने आपको टू लैम्डा। तो याद करो जो ये फिक्स्ड एंड वाला केस था, और फिक्स्ड एंड में ये नोड की कंडीशन थी, और यहां ये क्या हो जाएगा एंटी नोड्स की कंडीशन हो जाएगी, रिवर्स है बिल्कुल। समझ पा रहे हो, बात क्लियर है। और यहां जो वहां फिक्स्ड एंड का केस में जो एंटी नोड की कंडीशन थी, यहां वो नोड की कंडीशन, समझ पा रहे हो ना। यहां फिक्स एंड वाले केस में क्या था, ये लैम्डा बाई फोर, यहां एंटी नोड की कंडीशन। ये क्या था थ्री लैम्डा बाई फोर फिक्स एंड के केस में एंटी नोड की कंडीशन, यहां किसकी कंडीशन है नोड की कंडीशन। आई होप यू गॉट इट, मैंने क्या समझाना चाहता हूं, समझ में आया ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब इसके बाद जो मैं आपको समझाऊंगा वो चलेगा आपका वेव स्ट्रिंग के केस में आप पढ़ोगे, ठीक है। प्रगामी तरंग है, स्टेशनरी वेव है, स्टैंडिंग वेव, उसके बाद फिर आप ऑर्गन पाइप में पढ़ोगे, ठीक है। ये बेसिक था स्टैंडिंग वेव क्या होती है, एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। एक मिनट का एक चीज देख लो, मैं इसको नोट कर दूं, वो जरूरी है, ठीक है। बूस्टर है, आपको बूस्ट करेगा। यानी मैंने आपको भी स्टैंडिंग वेव क्या कराई, मैं आपको स्टैंडिंग वेव ये कराई जिसका एम्पलीट्यूड कितना हो 2a, नीचे तो माइनस 2a, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस का, तो एम्पलीट्यूड कितना है इसका 2a। जबकि ट्रेवलिंग वेव में, ट्रेवलिंग की इक्वेशन क्या थी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो थी वाई बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपकी ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन थी। तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ करता था ए, समझ पा रहे हो। एक ट्रेवलिंग वेव में एनर्जी कहां जाती थी, आगे की तरफ, लेकिन मेरे भाई यहां तो ये आपस में एनर्जी एनर्जी खेल रहे हैं, यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम पोजीशन पर, फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या स्टैंडिंग वेव है। और इसमें क्या था, एनर्जी कहां जा रही थी, आगे की तरफ, तो दोनों भैया अलग तरह की कंडीशन है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करा करो, और अपने अच्छे दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करा करो, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, इस बार सिलेक्शन लो, और एनडीए सेकंड का आज 9 जून को नोटिफिकेशन जारी हो ही गया है, ठीक है। फॉर्म वॉर्म भर देना टाइम से, एंड के लिए वेट मत करा करो कि बाद में भर दूंगा फॉर्म, बाद में तो बाद ही हो जाता है, टाइम से फॉर्म भर देना, मेहनत करो, इस बार सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है।